Bismillahir Rahmanir Rahim. Now we are starting our another lecture of your syllabus, which is clinical toxicology. When we see the syllabus of your course, Pharm 706, then we find this topic is here, clinical toxicology, which is journal. In this topic, we will discuss the journal information or the overview, then role of pharmacists in treatment of poisoning and journal management of poisoning and overdosage, role of status of poison control center, what is the role and status of poison control center, and we will discuss some drugs and poisons and their antidotes and their mechanism of action and how we can reverse their toxicity. Now, overview of this chapter. This chapter is intended to provide the reader with an overview of the management of various toxic exposures, various toxic substances. उनके जो exposure होता है उसके बारे में overview दिया जाएगा. Emergency medical services should be immediately contacted. Means के like for example poison control center contacted to provide advanced life support for patient with unstable vital signs. खास तौर से उसके लिए जिस पेशेंट में वाइटल साइन जो है वो एबसेंट होने लगे, लाइक सांस नहीं आ रहा, हार्ट की बीट स्टॉप हो गई आफ्टर द पॉइजन और पॉइजनिंग एक्सपोजर. इन एडिशन दीज पेशेंट शुड बी रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर फॉलोअप, और उसको फिर हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए फ़ौरन जो है वो रेफर करें, उसको लेकर जाएँ. ए नेशन वाइड टॉल फ्री पॉइजन कंट्रोल नंबर बिकम अवेलेबल एंड दिस नंबर इज सो एंड सो एंड अवेलेबल इज अवेलेबल 24 आवर पर डे एंड शुड बी यूज बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड जनरल पब्लिक वैन डीलिंग विद एक्सपोजर टू पोटेंशली टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो ये जो है वो सर्विस जो है वो US में प्रोवाइड की जाती है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो इसमें जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो उनका नंबर है वो है 0213-486-1504 और इसी तरीके से 0213-486-1505 एंड 0213-486-1506. ये तीन नंबर हैं, यानी 0213-486 तो तीनों में कॉमन है, फिर 1504-1505-1506. इसके अलावा ईमेल करके भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन खैर अर्जेंसी में तो ये नहीं ले सकते क्योंकि ईमेल का रिप्लाई पता नहीं कब आएगा, आपको कॉल पे ही बात करनी पड़ेगी. ये ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिटी को, और ये 24/7 अवेलेबल है, मीन्स 24 आवर्स ए डे एंड 7 डेज इन ए वीक. जो ईमेल एड्रेस है वो है drug.information@aku.edu. ये ईमेल एड्रेस है जिससे आप ड्रग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये जो है यहाँ पर ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस अवेलेबल है. इसके अलावा भी कुछ और जो है वो कंपनीज जो है वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे फार्मीवो है. फार्मीवो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो भी जो है वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसका भी जो है वो अपना एक सेटअप है जिसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. फार्मीवो की जो सर्विस है उसका जो फ़ोन नंबर है वो है 0800 0800 means 0800 822 22 822. ये फार्मीवो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन के हवाले से. तो पाकिस्तान में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं. एनीवे जब भी पेशेंट, वेन एवर द पेशेंट यू हैव, तो आप उस पेशेंट को देखें, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन से, वो आप कॉल करके फ़ौरन ले सकते हैं, और उसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल पेशेंट को मूव करना चाहिए. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जिसका हमें इस चैप्टर में तस्करा करना है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी या जिसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए. द फर्स्ट इज़ द क्लिनिकल टॉक्साइकोलॉजी. ये क्या है? फोकसेस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेज इन पेशेंट. ठीक है, जो इफेक्ट्स हो रहे हैं पेशेंट में सब्सटेंस के, पेशेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और इंटेंशनल ओवरडोज. अब ये जो
सब्सटेंस है ये चाहे एक्सीडेंटल हो जाए या इंटेंशनल हो, दोनों से सूरतों में ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन हो रही है, चाहे बाय मिस्टेक हो गई, गलती से हो गई, या इंटेंशनल जानबूझ के हो गई। ड्रग ऑफ एब्यूज ऐसी सूरत में भी हो सकता है, कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट बच्चे ने जैसे पी ली, और वेरियस अदर केमिकल्स, तो ये जो होगी तो ये जो होगा इनका जो इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल टॉक्साइकोलॉजी। अनदर डेफिनेशन इज इंटॉक्सिकेशन, ये क्या है, टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद केमिकल सब्सटेंसेस, कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी, जो एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी है इन केमिकल सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड इंटॉक्सिकेशन। पॉइजनिंग क्या है, एक क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ठीक है, सेकेंडरी टू एक्सीडेंटल एक्सपोजर, एक्सीडेंटल एक्सपोजर के बाद जो है वो क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, यानी सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट में हो रही है टॉक्सिसिटी वो पॉइजनिंग कहलाएगी। ओवरडोज क्या है, एन इंटेंशनल एक्सपोजर, जानबूझ के इंटेंशनल एक्सपोजर विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग सेल्फ इंजरी और डेथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल सुसाइड के लिए अगर कोई कर रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, तो दिस इज इंटेंशनल एक्सपोजर एंड ओवरडोज। टॉक्सिड्रोम्स, ये सिंड्रोम्स की तरह की एक सिम्टम्स है, यानी अगर ए ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग दैट सजेस्ट ए स्पेसिफिक इंजेशन, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिड्रोम। ठीक है, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है लाइक सिंड्रोम्स और लेबोरेटरी फाइंडिंग जिससे स्पेसिफिक इंजेशन जो भी जो, या सजेस्ट ए स्पेसिफिक इंजेशन जिससे हमें सजेशन मिल सकती है कि हो सकता है कि इसने ये लिया हुआ हो। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो इन 2007 ए टोटल ऑफ 27,658 अनइंटेंशनल ड्रग ओवरडोज डेथ अकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये है डेटा 2007 का यूनाइटेड स्टेट्स का। मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड एट द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी की वेबसाइट पर। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन यूएस की है, हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह का कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास पब्लिश नहीं होती, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो है वो पर ईयर टोटल नंबर ऑफ केसेस इस तरह के अनइंटेंशनल ड्रग ओवरडोज के और डेथ्स के कितने हैं। ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स द नंबर ऑफ पॉइजनिंग एक्सपोजर्स इमरजेंसी रूम विजिट्स एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट हैज राइज़न। पाकिस्तान में भी ऐसा है, पॉइजनिंग एक्सपोजर्स हो गया, इमरजेंसी रूम विजिट्स, इस मकसद की वजह से सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। फार्मासिस्ट्स आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन पॉइजनिंग पॉइजन प्रिवेंशन एंड ओवरडोज मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट का रोल अब एक्सपेंड होता जा रहा है, स्पेशली क्लिनिकल फार्मेसी आने के बाद, और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइजनिंग और पॉइजन प्रिवेंशन में, और ओवरडोज अगर हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट में भी, दोनों सूरतों में फार्मासिस्ट का रोल बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पॉइजन के हवाले से और उसके एंटीडोट और उसको कैसे मैनेज करना है। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की बात करें तो पॉइजन डेक्स, जैसे ड्रग इंडेक्स होती है तो पॉइजन डेक्स या पॉइज इंडेक्स है, इज ए डेटाबेस दैट इज अपडेटेड क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में यह अपडेट होती है। इज द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ पॉइजन कंट्रोल सेंटर, आमतौर पर पॉइजन कंट्रोल सेंटर पर ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटराइज डेटाबेस जो है ये अवेलेबल होती है, और वो उससे वो क्विकली जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा प्रिंटेड पब्लिकेशंस है लाइक टेक्स्ट बुक्स एंड मैनुअल्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एक्सपोज टू वेरियस सब्सटेंसेस ऑल्दो देयर यूजफुलनेस इज लिमिटेड। ये अलग बात है कि ये जो है टेक्स्ट बुक्स और मैनुअल्स, इनकी यूजफुलनेस जो है वो लिमिटेड है, क्यों, बाय द लैक टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश इन प्राइमरी लिटरेचर रीचिंग अपडेटेड एडिशन। उसकी वजह ये होती है कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं और मैनुअल्स हैं ये जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उस वक्त ये इंफॉर्मेशन पुरानी हो चुकी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी लिटरेचर यानी रिसर्च पेपर में पब्लिश होती है। इसमें पब्लिश होने के बाद फिर ये बुक्स में और यानी टेक्स्ट बुक्स में और मैनुअल्स में आने में कई साल, 5 से 10 साल लग जाते हैं, तो उस वक्त तक आते आते फिर ये मसला हो जाता है कि ये पुरानी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस वजह से इसकी यूजफुलनेस जो है वो लिमिटेड हो जाती है। लेकिन बहरहाल हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नॉन यूजफुल है, ठीक है यूजफुलनेस लिमिटेड है लेकिन बहरहाल यूजफुल है, बिल्कुल बेकार नहीं है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे लाइक मेडिकल टॉक्साइकोलॉजी,
ये एडिटर की इंफॉर्मेशन है, और मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन पॉइजनिंग सेकेंड एडिशन न्यूयॉर्क एल्सवायर इज ए मेन पब्लिशर। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स फिफ्थ एडिशन के हैंडमेन इन 2001। इसके अलावा क्लिनिकल ऑक्यूलर टॉक्सिकोलॉजी सिक्स एडिशन फिलेडेल्फिया सॉन्डर्स इज ए मेन पब्लिशर। इसके अलावा गोल्ड फ्रैंक्स टॉक्सिकोलॉजिक इमरजेंसीज नाइन्थ एडिशन न्यूयॉर्क मैकग्रॉ हिल। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी ऑफ द आई फोर्थ एडिशन के, एंड इसके अलावा शेनॉन की एक बहुत मशहूर बुक है ये हद्दाद एंड वेंचेस्टर्स क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड ड्रग ओवरडोज के। इसके अलावा पॉइजनिंग एंड ड्रग ओवरडोज बाय एप्लेटन एंड लैंग। तो ये जो है वो कुछ प्रिंटेड पब्लिकेशंस बुक्स एंड मैनुअल्स भी हैं जो कि हमें ये इंफॉर्मेशन सफिशेंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं जिसको हम जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक CDC की वेबसाइट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, USFDA की वेबसाइट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इसका वेब एड्रेस है। इसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट की वेबसाइट है। इसके अलावा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट ये इसकी वेबसाइट का जो है वो वेब एड्रेस मौजूद है। इसके अलावा US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA और ये इसका वेब एड्रेस भी मौजूद है। इन साइट से भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्रग के हवाले से और उसकी पॉइजनिंग उसकी इंटॉक्सिकेशन के हवाले से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का है प्रोवाइड कर रही है ये सर्विसेज। इसके अलावा जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो पॉइजन कंट्रोल सर्विस कंट्रोल सेंटर एक्रेडिटेड बाय अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पॉइजन कंट्रोल सेंटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वहाँ पे अमेरिका में ये दोनों को जो है वो जनरल पब्लिक को भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दीज सेंटर्स आर मोस्ट रिलायबल एंड अप टू डेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत रिलायबल और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनके फ़ोन नंबर जो है वो वहाँ पर भी अवेलेबल है, कैनेडा से भी ये एक्सेसिबल है। लेकिन बहरहाल ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए हम इसको एक्सेस इसलिए नहीं कर सकते या हम इस पर रिलाई इसलिए नहीं कर सकते कि कॉल तो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास ये नंबर मौजूद है यहाँ पे पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि बस ड्रग्स ऐसी हैं कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं US में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनके लिए उसके लिए रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वी शुड रिलाई ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड फार्मिवो कंपनी। जनरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जनरल मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर ABCs, लेकिन हम इसमें डी भी करते हैं, एक चीज़ और करते हैं। ए क्या है? एयरवे। बी क्या है? ब्रीदिंग। सी सर्कुलेशन। डी डिकंटामिनेशन। यानी एयरवे मेंटेन की जाए, ब्रीदिंग सही की जाए अगर पेशेंट की डिस्टर्ब है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए, और डिकंटामिनेशन यानी उस पॉइजन को बॉडी से रिमूव यानी डिकंटामिनेट किया जाए। Evaluating एंड सपोर्टिंग द वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन यही है दरअसल, ABC, एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये पेशेंट का एयर वे क्लियर हो, ब्रीदिंग सांस सही आ रही हो, सर्कुलेशन प्रॉपर हो, तो ये जो है वो ये वाइटल फंक्शन है। आर द मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप्स इन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ ड्रग इंजेक्शन। ये तो मैंडेटरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट को ठीक करना है इस तरह से कि अगर एयर वे रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक है तो उसको ठीक करें ताकि ब्रीदिंग ठीक हो, ब्रीदिंग सही हो जाए, और सर्कुलेशन जो अगर स्टॉप हो रही है तो सर्कुलेशन को ठीक किया जाए। आफ्टर द पेशेंट इज स्टेबलाइज, जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, द स्पेसिफिक कॉज ऑफ पॉइजन मैनेजमेंट शुड बी एड्रेस। फिर ये देखें कि जब ABC यानी एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, फिर देखें कि भाई उसने कौन सी ड्रग ली थी, क्या टॉक्सिक केमिकल लिया था, क्या लिया था, क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उसको जो था वो यहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया है। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, द पेशेंट विद डिप्रेस मेंटल स्टेटस इंक्लूड द फॉलोइंग। पॉइंट मस्ट बी नोटेड हेयर कि यहाँ पे वो कह रहे हैं डिप्रेस्ड मेंटल स्टेटस, ऐसा पेशेंट जिसका मेंटल स्टेटस डिप्रेस है, यानी वो या तो ये कि जो है वो पार्शल लॉस ऑफ सेंसेशन में या
कोमा में है या ये के फेंट है। तो उस सूरत में आपने एज ए जनरल गाइडलाइन क्या करना है, टू रूल आउट द हाइपोग्लाइसीमिया 50 ml 50% डेक्सट्रोज इन एडल्ट एंड 1 ml/kg इन चिल्ड्रन बाई इंट्रावेनस रूट। आपने 50 ml 50% डेक्सट्रोज फौरन दे देना है ऐसे पेशेंट को जिसका डिप्रेस मेंटल स्टेटस है एडल्ट में, और अगर चाइल्ड हो तो 1 ml/kg जो है वो डोज बनेगी। इसके अलावा आप क्या देंगे, थायमीन 100 mg आईवी पुश, थायमीन इंजेक्शन 100 mg आईवी पुश इमीडिएटली। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखें कि ग्लूकोज कैन प्रेसिपिटेट द वेंडनिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम इन थायमीन डेफिशिएंट पेशेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फर्दर एंसेफेलोपैथी करेगा अगर पेशेंट को डेक्सट्रोज के साथ दिया गया है। तो ये चेक कर लें कि पेशेंट पहले से थायमीन डेफिशिएंट तो नहीं था, क्योंकि अगर एकदम ये जाएगी थायमीन 100 mg आईवी तो ये फिर वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम कॉज करेगा, जो कि एंसेफेलोपैथी एक तरह की होती है। इसके अलावा नैलॉक्सॉन की अगर हम बात करें, इसकी डोज जाएगी 0.5, जो कि एक नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है, एनाल्जेसिक एंटागोनिस्ट है, 0.4 से लेकर 2 mg आईवी पुश। ये कब देंगे, इफ ओपिएट इंजेक्शन इज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड भी हो तो दे दें, यानी कोई गारंट पक्का नहीं बताया कि इसने लिया या नहीं लिया है, लेकिन पेशेंट डिप्रेस मेंटल स्टेटस में है तो फिर ये दे दें। नैलॉक्सॉन में ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड बाय द फॉलोइंग रूट्स, ये और भी दूसरे रूट से दी जा सकती है, लाइक इनहेलेशन, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रा नेसल। तो ये भी इस फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है। जब पेशेंट का मेंटल स्टेटस बेहतर हो जाए, नाउ अब आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने ABC कर लिया, यानी एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन हो गई है, पेशेंट ज़रा स्टेबल हो गया है, पेशेंट उस इमरजेंसी कंडीशन से काफ़ी हद तक बाहर आ गया है, अब आपके पास टाइम है, अब आप क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑब्टेनेंगे, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी लेनी है, आइडेंटिटी यानी आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इंजेस्टेड, आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या सब्सटेंस उसने लिया था अगर मुमकिन हो, रूट ऑफ एक्सपोजर, ओरल लिया था, इनहेलिंग लिया था, आईवी लिया था, आईवी तो मुश्किल है, इंट्रामस्कुलर लिया था, स्किन से एब्जॉर्ब हुआ था, क्वांटिटी कितनी इंजेस्ट हुई है, एंड द अमाउंट ऑफ द टाइम सेंस इंजेशन, कितनी देर हो गई है वो इंजेस्ट किए हुए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज क्या है, ठीक है, एंड एनी एसोसिएटेड इलनेस और इंजरी अगर कोई है तो वो भी। इसके अलावा कॉरोबरेट द हिस्ट्री एंड अदर फिजिकल एविडेंस, फॉर एग्जाम्पल पिल कंटेनर फ्रॉम प्री हॉस्पिटल प्रोवाइडर, कॉरोबरेट द हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को रिलेट करें किससे, फिजिकल एविडेंस से, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के पास से किसी ड्रग का कंटेनर पाया गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो कोई ऐसी थी, जैसे वो ये कि नार्कोटिक ड्रग थी वो लिया उसका कंटेनर था, या ये कि जो है वो बेंजोडाइजिपिन का कंटेनर था, या ये कि जो है वो कोई और ड्रग थी जिसका कंटेनर था, तो उससे भी काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि पेशेंट ने किस ड्रग की ओवरडोज की है। न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन की बात करें तो इवेल्युएट एनी सीजर, सीजर है या नहीं है, ऑल्ट्रेशन इन कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन, एटैक्सिया यानी ये कि वो बॉडी की जो मूवमेंट में अगर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसमें इम्पेयरमेंट तो नहीं है, स्लर्ड स्पीच यानी स्पीच प्रॉपर नहीं है, बात नहीं कर पा रहा सही तरीके से, ट्रेमर हाथों में स्पेशली अगर वो ट्रेमर यानी जो है जिसको हाथ का राशा कहते हैं वो तो नहीं है। इसके अलावा हेडेक एंड सिनकोप, सिनकोप वही होता है पार्शल लॉस ऑफ सेंसेशन यानी डिप्रेस्ड मेंटल स्टेटस, तो अगर ये भी चेक करें। कार्डियोपल्मोनरी एग्जामिनेशन में करें, एनी सिनकोप, पेल्पिटेशन तो नहीं है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, एंड बर्निंग और इरिटेशन ऑफ द अपर एयरवे यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें कोई बर्निंग या इरिटेशन तो नहीं हो रही। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन करें, उसमें भी इवेल्युएट एनी एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया या फिर डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री शुड इंक्लूड मेडिकेशन कोई लेता रहा है वो, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर सब्सटेंसेस कोई भी है, ठीक है, यूज ऑफ हर्बल मेडिकेशन, कोई हर्बल मेडिकेशन लेता रहा है, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की इसकी हिस्ट्री है या नहीं है,
कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री है, लाइक फॉर एग्जांपल वो पेशेंट्स जो डिप्रेशन के होते हैं, सीवियर डिप्रेशन के या साइकोटिक केसेस होते हैं, वो सुसाइड का सोच सकते हैं, उनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है। बाहर ज़्यादा कुछ ड्रग्स होती हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी, स्पेशली एंटी साइकोटिक्स हैं, या ये कि जैसे अगर कार्बामेज़ जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उसमें भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, तो उसमें से कोई ड्रग तो नहीं ले रहा, किसी ड्रग की वजह से तो नहीं है ये। एलर्जीज़ कोई, उसकी इंफॉर्मेशन लें। ऑक्यूपेशनल और हॉबी एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल यानी हॉबी एक्सपोजर इसका कोई ऐसा है कि जिससे ये रिस्क हो के कि जो है ये डिप्रेशन में या कोई ऐसी सिचुएशन में जाता है जिसकी वजह से ये अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रैवल कोई किया है रिसेंटली, कोई ऐसी चीज़ ली है, प्रायर इंजेशन, पहले भी कोई हिस्ट्री ली है, पहले भी कोई इंजेस्ट कर चुका है इस तरह की। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री विद पोटेंशियल और डोमेस्टिक वायलेंस और नेगलेक्ट, कोई सोशल हिस्ट्री है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस या नेगलेक्ट, इग्नोर किया गया घर पे, या ये कि घर पे कोई नेगलेक्ट का केस है और जिसकी वजह से इमोशनल जो है वो डिस्टर्ब हुआ है पेशेंट और उसने जो है अपने आप को सुसाइड करने के लिए और इस तरह का जो है वो शदीद किस्म का जो है वो एक्ट किया है। इसके अलावा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और प्रेगनेंसी, बार दफ़ा इसके इससे भी बड़ा गहरा रिलेशन होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और प्रेगनेंसी का, कि जो है ना वो फीमेल नहीं चाह रही होती और वो प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर उस सूरत में भी जो है वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते। अच्छा, ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अलावा रूटीन लेबॉरेटरी असेसमेंट। रूटीन लेबॉरेटरी असेसमेंट में आपने क्या करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट करें, देखेंगे ब्लड पिक्चर सही है या नहीं है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लाइक स्पेशली सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किडनी एंड लिवर दोनों के बारे में बताएगा, सीरम क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन के बारे में बताएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा, यूरिन एनालिसिस या जिसको हम यूरिन DRB कहते हैं कि किडनी यूरिन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है उस ड्रग का यानी उस पॉइजनिंग का, तो ये है। इसके अलावा चेस्ट रेंजियोग्राम और किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर KUB X-ray, चेस्ट रेंजियोग्राम यानी चेस्ट एक्सरे, इसको रेंजियोग्राम को चेस्ट एक्सरे भी कहते हैं, और किडनी यूरेटर ब्लैडर KUB का एक्सरे, ताकि उसकी भी कोई अगर कोई फिजिकल कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है किडनी में यूरेटर में ब्लैडर में, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये जो डैमेज है वो यानी कोई केमिकल के इंजेक्शन या ड्रग के इंजेक्शन की वजह से तो नहीं हो गया, तो इन तमाम इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं टॉक्साइकोलॉजी लेबॉरेटरी टेस्ट, ठीक है, टॉक्साइकोलॉजी लेबॉरेटरी टेस्ट। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं अगर हम ये लेबॉरेटरी टेस्ट करें और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, एडवांटेजेस भी अगर हम बात करें, कंफर्म और डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एजेंट, कंफर्म हो जाता है या डिटरमिन हो जाता है कि पेशेंट ने क्या पर्टिकुलर एजेंट लिया है जिसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी हुई है। इसके अलावा प्रिडिक्ट द एंटिसिपेटेड टॉक्सिक इफेक्ट और सीवियरिटी ऑफ एक्सपोजर टू सम पॉइजन, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फर्दर टॉक्सिक इफेक्ट क्या आ सकता है और वो कितना सीवियर हो सकता है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसके अलावा कन्फर्म और डिस्टिंग्विश डिफरेंशियल और कंट्रीब्यूटिंग डायग्नोसिस, यानी हम कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस की तरफ चले जाएंगे कि एग्जैक्टली पेशेंट ने क्या लिया है और उससे किस किस्म की टॉक्सिसिटी हुई है और ये किस से डिफरेंट है। इसके अलावा ओकेजनली हेल्प गाइड थेरेपी, और उससे फिर हमें हेल्प थेरेपी में भी गाइडेंस भी मिल जाती है कि हम इसको पेशेंट को कैसे मैनेज करें, क्या दें, किस तरह का एंटीडोट दें जिससे पेशेंट जो होगा वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो डिसएडवांटेजेस क्या है, दीज टेस्ट कैन नॉट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट। उसकी वजह ये है कि देयर आर सो मैनी डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ ड्रग, आपके पास लेबॉरेटरी में हर तरह की ड्रग को आइडेंटिफाई करने की फैसिलिटी नहीं होती है। आपने जैसे अगर फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा होगा ये कि कोई ड्रग जो होती है वो HPLC से आइडेंटिफाई होती है, कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आइडेंटिफाई होती है, कोई किसी और इंस्ट्रूमेंट से आइडेंटिफाई होती है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो आपको पता नहीं होता पेशेंट ने क्या लिया, इसलिए आप जो है वो
किसी एक इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट ने क्या लिया, और अक्सर व बेशतर ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती भी नहीं है। और वो जब आप जो है वो उस टेस्ट को जो है वो सपोज दैट HPLC पे लगा रहे हैं, पता चला कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, इसी वजह से ये अगली लाइन में लिख रहे हैं कि ऑल पॉसिबल इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स कैन नॉट बी स्क्रीन्ड। ठीक है, तमाम जो इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स हैं हर एक को स्क्रीन नहीं किया जा सकता, ये भी डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज नेसेसरी लाइक वही ABC बिफोर लेबॉरटरी रिजल्ट ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन आर अवेलेबल। यानी आप वेट नहीं कर सकते कि आपने लेबॉरटरी में जो है वो टेस्ट के लिए दे दिया, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले वहाँ से रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कि क्या पेशेंट ने खाया है, क्या लिया है, क्या टॉक्सिसिटी हुई है, किस वजह से हुई है, कितनी क्वांटिटी में ली है, तो आप उसका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपने वेट किया तो तब तक तो पेशेंट जो है वो मर जाएगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल है और बहुत सीरियस कंडीशन में पेशेंट आया है, तो आप वेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है लेबॉरटरी टेस्ट का। इसके अलावा लेबॉरटरी ड्रग डिटेक्शन एबिलिटीज डिफर, यही वजह है कि हर इंस्ट्रूमेंट हर लेबॉरटरी में नहीं होता, तो डिटेक्शन एबिलिटीज डिफर करती हैं, और जो है वो आप जो है वो फिर वो आपको फिर गाइड नहीं कर सकता कि जना आपने क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा इन जर्नल ओनली ए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस और सब्सटेंस इज नेसेसरी। जनरली तो ये होता है कि जो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन है या इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए नेसेसरी होती है, ताकि कम से कम हम ये पता लगा लें कि पेशेंट ने लिया क्या है, ताकि हम स्पेसिफिकली उसका एंटीडोट करें। हाउ एवर क्वान्टिटेटिव लेवल्स ऑफ द थेरेप्यूटिकली मॉनिटरिंग ड्रग्स मे बी नेसेसरी टू गाइड द थेरेपी, लेकिन वो ड्रग जो है थेरेप्यूटिकली जो मॉनिटर की जा सकती हैं उनकी अगर क्वान्टिटेटिव लेवल भी आइडेंटिफाई हो जाए तो उससे जो होगा थेरेपी को और गाइड मिल जाएगी, ताकि हम उसके हिसाब से उसका जो एंटीडोट हो वो देख सकें कि कितनी क्वान्टिटी में देना है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी बाज़ दफ़ा हमें प्रॉपर नहीं मिलती, तो ये भी डिसएडवांटेज होता है। कंसल्ट विथ योर लोकल लेबॉरटरी फॉर दी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग एसेज, तो आप जिस हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ की लेबॉरटरी से आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग के एसेज की आपके पास फैसिलिटी है, यानी अगर कोई इस तरह का केस आए तो आप कौन कौन सी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि ज़्यादातर टॉक्सिसिटी का रीज़न बनती है। तो ये जो है वो डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद हम आते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज स्किन डीकंटामिनेशन। स्किन डीकंटामिनेशन की अगर जरूरत है, स्किन डीकंटामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड विद परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस मे रिजल्ट इन सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि स्किन से एब्जॉर्ब हुआ हो और वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा हो, और व्हेन द कंटामिनेटिंग सब्सटेंस मे प्रोड्यूस लोकल टॉक्सिक इफेक्ट। समटाइम जो कंटामिनेटिंग एजेंट है वो लोकल टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एसिड बर्न्स, यानी एसिड हाथ पे या पाँव पे या चेहरे पे लग गया तो एसिड बर्न्स, उसमें क्या करना है आपने, द पेशेंट्स क्लॉदिंग इज रिमूव्ड। सबसे पहले तो पेशेंट के क्लॉदिंग रिमूव करें, एंड द एरियाज आर इरीगेटेड विद कॉपियस क्वांटिटीज ऑफ वाटर, जो एरिया जो हो उसको सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर से इरीगेट करें यानी धोएं, ये जो होगा इसका मेथड होगा। न्यूट्रलाइजेशन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड, ऐसा ना करें कि अगर एसिड है तो आपने कहा कि ठीक है मैं इसको न्यूट्रलाइज कर देता हूँ अल्कली डाल के, नहीं, नेवर एवर डू इट, न्यूट्रलाइजेशन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। क्यों, इससे क्या होगा कि न्यूट्रलाइजिंग द एसिड बर्न विद सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर आप न्यूट्रलाइजिंग करेंगे विद सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक अल्कली है, प्रोड्यूस एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें फर्दर हीट इवॉल्व होगी और पेशेंट को और पेन होगा, पेशेंट की कंडीशन और वर्स होगी, जिसकी वजह से आपको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन शुड नेवर बी अटेम्प्टेड इन सच सिचुएशन व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एसिड बर्न। अच्छा, लिहाजा हमने ये बात की कि अगर आप ये सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा एंड देयर बाय एक्सेसरबेटिंग द पेशेंट कंडीशन, यानी पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आपके पास पेशेंट अपना इलाज कराने आया था और उसके बाद उसकी कंडीशन फर्दर वर्स हो गई, तो ये जो है आपने इस चीज़ का ख्याल
रखना है। इसके बाद है गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन। गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन के हवाले से हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं। एक नज़र हम इसको देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, क्योंकि ये दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पर ये बात की थी कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इंटॉक्सिकेशन, पॉइजनिंग, ओवरडोज, टॉक्सिड्रोम्स। खैर, ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डेटाबेस कौन कौन सी हैं, पॉइजन इंडेक्स, इसके अलावा बुक प्रिंटेड पब्लिकेशंस, इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स, पॉइजन कंट्रोल सेंटर, जनरल मैनेजमेंट में ABCs मस्ट बी रिमेंबर, इसके अलावा ट्रीटमेंट में डिप्रेस मेंटल स्टेटस का ये मस्ट बी रिमेंबर, 50 ml 50% डेक्सट्रोज एंड 1 ml/kg चिल्ड्रन, थायमीन 100 mg IV पुश, नैलॉक्सेन 0.4 से 2 mg IV पुश। और इसके अलावा ये वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम, इसके अलावा आइडेंटिफाई ओपनिंग हिस्ट्री जो पेशेंट की होगी एक्सपोजर की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपने लेनी है, रूटीन लेबॉर्ट्री असेसमेंट कौन कौन सी होगी, टॉक्सिकोलॉजी लेबॉर्ट्री टेस्ट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड गैस्ट्रिक एंड स्किन डिकंटामिनेशन आपने कैसे करनी है और उसमें न्यूट्रलाइजेशन को अवॉइड करना है। तो ये इंफॉर्मेशन, दीज की पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड। थैंक यू वेरी मच।